बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीके फूड कुक में खुश आमदीद करते हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज अपने बहन भाइयों के लिए मैं आड़ू के जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और उसे मैं तैयार करूँगी मरिंडा की बोतल से। मरिंडा की बोतल से आड़ू का जूस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आड़ू जो है वो इस टाइम रूटीन में है और गर्मियों में बहुत से लोगों का ये फेवरेट फल होता है। और इसका जूस फ्रेश बनाकर पिया जाए, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है आड़ू। तो आइए इसको मैंने किस तरह से तरीके से तैयार करूँगी, इस जूस को रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। सबसे पहले मैं आड़ू यहाँ पर मैंने लिए हैं, आधा किलो आड़ू थे जिनको मैंने काट लिया। रफ सी कटिंग मैंने की है, ज़्यादा मैंने इनको शेप्स वगैरह में नहीं काटना। ये देखें बिल्कुल रफ सी कटिंग है, ये देखें इस तरीके से काटनी है। अब इसको मैं डालूंगी ग्राइंडर के जग के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हाफ लीटर की मरिंडा की बोतल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं कोई चीनी वगैरह नमक वगैरह नहीं शामिल करूंगी, बस इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी इसी तरीके से। तो जी व्यूवर्स, ब्लेंडर को चलाते हैं। जी व्यूवर्स, ब्लेंडर के अंदर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिए, अब इसको खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार सा जूस रेडी है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से ज़रूर जूस बना के पीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।